हेलो बच्चों, ये क्लास फोर्थ की ईवीएस की बुक है। तो जो बच्चे क्लास फोर्थ में हैं वो अपनी इस बुक को ओपन कर लें, और इन उनको जो है चैप्टर वन करवा दिया गया है, रीडिंग करवा दी गई है। तो जो बच्चे इस वीडियो में नए नए हैं वो एक बार पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें, जिनमें उनको चैप्टर वन अच्छे से करवा दिया गया है, और आज हम आपको चैप्टर टू को रीडिंग करवाएंगे। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से इस बुक को ओपन करें और रीडिंग हमारे साथ करें। तो आपका चैप्टर टू है एनिमल्स हैबिटेट्स, जानवरों का निवास स्थान या जानवरों का घर। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर, जानवर हमको हर जगह मिलते हैं। दे कैन बी फाउंड इन द थिक जंगल्स, ये जो है हमें घने जंगलों में भी मिल सकते हैं। हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ों पर मिल सकते हैं। डीप ओशियंस, गहरे समुद्र में मिल सकते हैं। वेरी कोल्ड प्लेसेस एंड हॉट डिजर्ट्स, और ये बहुत ठंडे स्थानों और बहुत गर्म रेगिस्तानों में भी मिल सकते हैं। द सराउंडिंग्स एरिया और द इन्वायरमेंट इन विच एनिमल्स लिव इज नोन एज देयर हैबिटेट, और ये जो है माहौल या इन्वायरमेंट जहाँ जंगल जहाँ जानवर रहते हैं, इनको हम जो है जानवरों का हैबिटेट कहते हैं। द लिविंग कंडीशंस इन ईच ऑफ दीज हैबिटेट्स आर वेरी डिफरेंट। द लिविंग कंडीशन इन ईच ऑफ दीज हैबिटेट्स आर वेरी डिफरेंट, और जो उनके रहने के स्थानों की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही अलग या डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। बट एनिमल्स लर्न टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स सच एज फूड, पर जानवर जो है अपनी प्राइमरी बेसिक चीज़ों बेसिक डिमांड की पूर्ति, जैसे कि भोजन, वाटर एंड शेल्टर, खाना पानी और रहने की ची स्थान, इन ईच ऑफ दीज हैबिटेट्स, ये जो है अपने निवास स्थान पर इनको प्राप्त हो सकती हैं। ऐसे स्थान को जो है ये प्रिफर करते हैं जहाँ उनको ये सब चीज़ें आसानी से मिल सकें। दिस इज कॉल्ड एडाप्टेशन, और ये जो है एडाप्टेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। एनिमल्स दैट लिव ऑन द सर्फेस ऑफ लैंड आर इन वीरोज एंड होल्स अंडर द ग्राउंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और ऐसे जानवर जो माद बना करके या जो है होल जो जमीन के नीचे जो है खोद करके जो नीचे होल बना करके रहते हैं, उनको जो है हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स लाइक लायंस, कैमल्स, एलिफेंट्स, ह्यूमन बींग्स, स्नेक्स एंड अर्थ वर्म्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी, और इसमें जो है शेर, ऊंट, एलिफ, हाथी, ह्यूमन बींग्स और सांप, ये सब जो है हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्वेरल्स स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज, और जैसे कि हमारे बंदर हैं और गिलहरी हैं, ये सब जो है अपने जीवन का अधिकतर समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। एनिमल्स लिविंग इन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स, और जो जानवर पेड़ों पर रहते हैं उन्हें जो है हम आर्बोरियल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स कैन फ्लाई इन द एयर, और ऐसे पक्षी या ऐसे कीट जो है जो आसमान में उड़ सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम और एक लंबे समय तक, दीज आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स, ये जो है हमें एरियल एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। एनिमल्स लाइक फिश
क्रैब्स टर्टल्स दैट लिव्स इन वाटर, जानवर जैसे कि मछली कछुए जो जो पानी के अंतर्गत रहते हैं, कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, ये जो है एक्वेटिक एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक शार्क्स वेल्स एंड ऑक्टोपस लिव इन द साल्टी वाटर, कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि शार्क्स वेल ऑक्टोपस, और ये जो है साल्टी समुद्री पानी के अंतर्गत रहते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फिश, लोबस्टर्स एंड क्रैब्स लिव्स इन द सीज, बहुत प्रकार के जो है मछलियाँ लोस्टर्स और क्रैब्स होते हैं जो समुद्र के अंतर्गत रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन साल्टी वाटर आर कॉल्ड मैरिन एनिमल्स, और जो जानवर हमारे जो है खारे पानी में रहते हैं उन्हें जो है हम मैरिन एनिमल्स के नाम से जानते हैं। बट देर आर मैनी अदर वेराइटीज ऑफ फिश एंड क्रैब्स दैट लिव इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स, बट लेकिन बहुत प्रकार की मछलियां होती हैं जो फ्रेश वाटर या शुद्ध या ताजे पानी के अंतर्गत मीठे पानी के अंदर रहती हैं। लेक्स एंड स्टेम्स, और झीलों और तालाबों में वो निवास करती हैं। दीज आर कॉल्ड फ्रेश वाटर एनिमल्स, और ये जो है हमारी शुद्ध पानी वाले एनिमल्स के नाम से जाने जाते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग टोड्स एंड स्नेलर्स स्पेंड देयर लाइव पार्सली इन वाटर एंड पार्सली ऑन लैंड, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि मेढक टॉर्स एंड स्लेमडर्स, ये जो है अपने जीवन का कुछ हिस्सा पानी के अंदर और कुछ हिस्सा जो है जमीन पर निवास करके बिताते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस, और ऐसे जानवर जो है उभयचर जानवर के नाम से जाने जाते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम देयर एनिमीज एंड हार्श वेदर कंडीशंस एनिमल्स आल्सो नीड शेल्टर्स, और अपने आप को बचाने के लिए शत्रुओं से और मौसम जैसे जाड़ों में बरसात में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये एक शेल्टर एक निवास स्थान की इनको आवश्यकता होती है। जनरली एनिमल्स डू नॉट बिल्ड एनी शेल्टर्स फॉर देमसेल्स, जानवर जो है मुख्यतः अपने लिए कोई घर नहीं बनाते। दे लिव इन नेचुरल शेल्टर्स, और ये जो है प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं। बिग फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक टाइगर्स लायंस बियर्स लिव इन नेचुरल केव्स इन जंगल, बड़े जंगलों में जो जानवर पाए जाते हैं जैसे कि टाइगर शेर हैं बाघ हैं भालू हैं, ये जो है नेचुरल गुफाओं में जो प्राकृतिक गुफाएं जो होती हैं उसमें ये रहते हैं। एनिमल्स लाइक रैबिट्स एंड फॉक्सेस लिव्स इन होल्स अंडर द ग्राउंड, जानवर जैसे कि आपके खरगोश हो गए फॉक्स हो गए लोमड़ी, ये सब जो है जमीन के अंदर एक होल बना करके उसके अंतर्गत रहते हैं। स्नेक्स आल्सो लिव्स इन होल्स एंड समटाइम्स ऑन एबंडेंट एंथिल्स, और सांप भी जो है जमीन के अंतर्गत एक छेद बना करके उसके अंदर रहते हैं। हनी बीस लिव्स इन बी हाइव्स, और मधुमक्खी जो है छत्ता अपना बना करके उसमें रहती है। आंट्स एंड टर्मिटीज बिल्ड लार्ज माउंट्स ऑफ सॉइल विथ मैनी टनल्स टू लिव इन, और जो हमारी चींटियां होती हैं ये भी जो है सॉइल के अंदर मिट्टी के अंतर्गत एक छेद बना करके एक होल बना करके उसके अंदर एक ऐसा मॉन्यूमेंट्स बनाती हैं एक ऐसा एंथिल्स बनाती हैं जिसमें वो रहती हैं। बर्ड्स आर द बिगेस्ट
ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट मेक शेल्टर्स फॉर देमसेल्व्स। पक्षियाँ चिड़ियाँ एक ऐसे जानवर हैं, एक ऐसे उसमें आती हैं जो अपने लिए अपना घर स्वयं बनाती हैं। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नीड नेट्स टू लिव इन। और बहुत ही तरह की पक्षियाँ हैं जो अपने अधिकतर पक्षियाँ हैं जो अपने लिए अपना घोंसला स्वयं बनाती हैं। सम एनिमल्स आर सीन ओनली एट नाइट। कुछ जानवर ऐसे हैं जो केवल रात में ही दिखाई पड़ते हैं। बैट्स एंड ओल्स आर एक्टिव ओनली एट नाइट्स। चमगादड़, उल्लू, ये ऐसे जानवर हैं जो केवल रात में ही एक्टिव होते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। और ये जो है निशाचर, रात दिन चलने वाले जानवर के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम दे रेस्ट इन देयर शेल्टर्स। दिन के समय ये अपने निवास स्थान में आराम से आराम करते हैं। ओल्स बिल्ड देयर नीड नेस्ट इन द हॉलोस ऑफ ट्रीज आर वॉल्स। उल्लू जो है अपना शेल्टर जो है पेड़ों की, जो उसमें एक होल हो जाता है, खोखड़ हो जाता है, उसके अंदर बनाते हैं। वी कीप एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स एज पेट्स। और हम जो है कुत्तों बिल्लियों को पालतू जानवर के में बना करके उनको रखते हैं। एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, हॉर्सेस एंड हंस आर यूजफुल एनिमल्स। और गाय, भैंसे, घोड़े, ये जो हैं हमारे लिए उपयोगी जानवर होते हैं। दे आर टेम्ड बाई अस। और ये जो है हमारे द्वारा ही इनका संरक्षण किया जाता है। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। और ये जो है डोमेस्टिक जानवर के अंतर्गत आते हैं। वी मेक शेल्टर्स फॉर आवर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। और हम अपने जो है जानवरों जो इनको हम पालते हैं उनके लिए शेल्टर, निवास स्थान हम स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों, आज आपको हमने यहाँ तक चैप्टर 2 रीडिंग करवा दिया है। सारे बच्चे इसको एक बार रिवाइज करेंगे और जो समझ में नहीं आएगा उसको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपको इसके आगे का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग करवाएंगे।